सरकारी आंकड़ों और खबरों की माने तो राज्य में कई जगहों पर कोरोना प्रादुर्भाव की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन कुछ एक महानगरों के अलावा बाकी गांवों और शहरों में कोरोना प्रादुर्भाव अभी थमा हुआ है। ऐसे में सरकार द्वारा केवल स्कूल और कॉलेजों को बंद कराने का निर्णय गैर जरूरी लगने लगा है। ऐसे में विद्यार्थी के शैक्षिक नुकसान को देखते हुए दिग्रस शहर की अंजुमन उर्दू विद्यालय के शिक्षकों ने आगे आकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को तहसीलदार सुधाकर राठौड़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे गए इस ज्ञापन में स्कूल और कॉलेजों को दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। इस ज्ञापन में देश और राज्य भर में शुरू बाजारों 50% क्षमता के साथ खुले हुए मॉल और सिनेमा घरों का हवाला देते हुए सरकार के स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की राय रखी गई है। महाराष्ट्र सह संपूर्ण देशात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे, परंतु दुसरी बाजू अशी आहे की अनेक तालुके व ग्रामीण विभागात कोरोनाचा शिरकाव सुद्धा झालेला नाही, परंतु शासनातर्फे सरसकट शाळा बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे। आमची एक विनंती आहे शासनाला की स्थानिक परिस्थिती पाहून हा निर्णय घ्यावा व या निर्णयावर फेरविचार करून शाळा महाविद्यालय पूर्ववत सुरू करावी अशी आग्रहाची व कडकडीची विनंती, कारण कधी भरून न निघणारा असा विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होत आहे। गौरतलब है कि विदर्भ में स्कूल और कॉलेजों को शुरू करने की मांग उठाने वाले अंजुमन उर्दू विद्यालय और जूनियर कॉलेज के शिक्षक बहुधा पहले शिक्षक है जिन्होंने यह मांग सरकार के समक्ष रखी है। देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजों के बंद होने से एक बार फिर ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है, लेकिन अंदरूनी इलाकों के गाँव और देहातों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में नेटवर्क आदि तकनीकी समस्या उठानी पड़ती है। साथ ही गरीब तबके के कई विद्यार्थियों के पास आज भी एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। इस आशय की समस्या भी इस दौरान व्यक्त की गई है। सभी बाजार पेट चालू है, सभी सब चीजें चालू है और स्कूलें क्यों बंद है? ऑनलाइन क्लास का माध्यम से अगर अपन जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में उसकी रेंज नहीं पहुँचती है और कुछ गरीब वर्ग ऐसा है जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर में बच्चे पढ़ाई से वंचित रहते हैं और बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है पढ़ाई पे। वैसे ही दो एक साल से बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। मैं मेरी संस्था के माध्यम से, मेरे टीचर स्टाफ के माध्यम से, मैं इस महाराष्ट्र के संपूर्ण पूरे महाराष्ट्र के शिक्षण संस्था चालकों से निवेदन करता हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन दें और स्कूलें चालू करने के बारे में उनसे कड़कड़ी विनंती करें। धन्यवाद। बहरहाल ज्ञापन सौंपते समय अंजुमन उर्दू शिक्षण संस्था के सचिव हाजी सज्जू पहलवार, मुख्याध्यापक सोहेल जावेद, उजमा कौसर, अनीश शेख, मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद नूर, मोहम्मद अकील, मोहम्मद शफीक, सैयद मोहसिन जिया उर रहमान, मजहर अहमद खान, मोहम्मद हारून, साथ ही अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।